ईमेल से हो जाए सावधान। हाँ, आपने से सुना है कि एक मेल आता है उससे सावधान किस प्रकार से रहना जरूरी है। मैं आज यहाँ पर एक फिशिंग अटैक के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक डिवाइस यूज़ करते हैं, मतलब कि आईफोन, आईपैड जैसे विंडो, ठीक है ना, और आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, खासकर इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेरा नाम है दीपक मीणा और आप देख रहे हैं साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम फिशिंग पर बात करते हैं। तो फिशिंग एक जो हैकर है हम पर एक प्रकार से अटैक करता है, जो कि मेल के जरिए। तो मैं एक उदाहरण के जरिए बता देता हूँ कि इस प्रकार से होता है। जैसे कि फिशिंग का जो मतलब होता है मछली पकड़ना, ठीक है ना, खासकर जो फिशिंग का मतलब ही होता है मछली पकड़ना। तो हमारे लिए हमको क्या बना देते हैं, एक मछली बना देते हैं जो कि हैकर हैं। तो हमारे लिए जाल बिछाई जाती है कि एक मेल भेजते हैं। मेल भेजने के बाद क्या करते हैं कि उस पर हमको क्लिक कराते हैं, या हम गलती से क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन मांग देते हैं। जैसे कि एक मछली को पकड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें नदी में जाना पड़ता है, वहाँ पर जाल बिछानी पड़ती है, और इसके बाद मछली क्या होती है उसमें फंस जाती है और हमारा उनसे काम हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक हैकर्स हैं हम पर एक मेल भेजते हैं, मेल भेज कर हमको वहाँ पर क्लिक करने को कहते हैं। जैसे कि फिशिंग पेज, एक फिशिंग पेज को पहचानने के लिए हमें एड्रेस बार में ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर लॉक लगा है या फिर HTTPS लिखा हुआ है। इसकी पूरी जानकारी हमें रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस जानकारी हमें क्यों रखनी है, फिशिंग अटैक से हमें नुकसान क्यों है। जैसे कि एक मेल भेजा, आपने क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। ऑल इन्फॉर्मेशन कैसे मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम है और आपका बर्थडे है, डेट बर्थडे है, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, पिन कोड नंबर है, पासपोर्ट है, जिले का नाम है, सब ये छोटी छोटी चीज़ आपसे मांगी जाती है और पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। और तो उस जानकारी से क्या करते हैं कि उनको किसी न किसी प्रकार से हमको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इससे बचने के लिए खासकर एक उपाय ये है कि आप कोई भी मेल आए उस मेल की पूरी तरह से जांच कर लें कि ये मेल सही है या नहीं, उसकी पूरी जानकारी आप एक बार करेक्ट कर लें, और इसके बाद पूरी जानकारी लेने के बाद उस मेल को खोलें। आप उसके मेल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उस मेल को ओपन ना करें, यही एक बेटर तरीका रहेगा। बेटर तरीका इस प्रकार से रहेगा कि आप उस मेल के बारे में जानते नहीं हो, आपने किसी से मेल किया ही नहीं है, तो उस मेल के बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, या फिर आपने किसी कंपनी को मेल किया नहीं कि कंपनी की तरफ से मेल आया है, या फिर वो मेल जैसे कि फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गया, एक जो एक फिशिंग पेज है जो डुप्लीकेट बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। तो आप तक पहुंचाने का मकसद उनका ये रहता है कि जो आपका यूट्यूब अकाउंट है हैंग करने की जो पूरी साजिश रहती है, या फिर फेसबुक है या इंस्टा है, इस प्रकार से फिशिंग पेज बनाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो खासकर इस पेज, आप यानी कि जब भी अपने डेस्कटॉप पर आप खोलेंगे तो उस पेज को, तो उसमें जैसे कि एड्रेस बार में एक HTTPS, जो कि एस का मतलब भी है सिक्योर, जब ये वेबसाइट सिक्योर है तो इस वेबसाइट के अंदर आप और एंटर करें, नहीं तो इसमें एंटर नहीं करें। और यहाँ पर एक लॉक लेक यानी कि लॉक लगा होता है, उसकी भी आप पूरी जानकारी रखें कि किस प्रकार से इसके अंदर घुसना है। लॉक का मतलब होता है कि ये एक सिक्योर वेबसाइट है, मतलब कि सिक्योर है, यहाँ से कोई नुकसान नहीं है, हम बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हर मेल से यानी कि मेल से ध्यान रहें कि आप किसी फालतू मेल पर क्लिक करके ऑल इन्फॉर्मेशन ना दें और आपका ही नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे अकाउंट हैंग होने की प्रॉब्लम रहेगी। इससे एक सिक्योरिटी और लगा दें, 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड, जो कि मेल पर है, फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, हर पर लगा के रखें, तो आपका जो अकाउंट है सेफ रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताएं, और नीचे जाए कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो में कौन सी बात सही लगी और कौन सी बात आपको जाननी और ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।